हेलो एवरीवन, आज एक बार फिर से हम लोग फिजिक्स का एक और एक्सपेरिमेंट लर्न करने वाले फ्रॉम क्लास 12th। तो आज का जो हमारा एक्सपेरिमेंट है उसका एम है टू कन्वर्ट द गिवन गैल्वेनोमीटर ऑफ नोन रेजिस्टेंस एंड नोन फिगर ऑफ मेरिट इनटू एन ए मीटर ऑफ डिजायर्ड रेंज एंड टू वेरीफाई द सेम। तो आज हम लोग गैल्वेनोमीटर को ए मीटर में कन्वर्ट करने वाला एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने वाले। तो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक्स हम इसका समझ लेते हैं कि इसमें कौन कौन से एपेटस हमें चाहिए। तो एपेटस बिल्कुल आपके सामने यहाँ पे आप देख पा रहे हो। ये सबसे पहले हमें चाहिए बैटरी एलिमिनेटर, ठीक है। उसके बाद हमें चाहिए गैल्वेनोमीटर जिसको हम ए मीटर में कन्वर्ट करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हमें चाहिए एक मिलीएमीटर, बराबर, जिससे हम लोग जो भी रीडिंग मेजर करेंगे गैल्वेनोमीटर का उसको हम इस मिलीएमीटर के साथ वेरीफाई करेंगे कि हमारा गैल्वेनोमीटर प्रॉपरली कन्वर्ट हुआ है या नहीं हुआ है, बराबर। उसके बाद हमें चाहिए एक लो रेजिस्टेंस बॉक्स जो यहाँ पे है, बराबर, और एक हमें चाहिए रियोस्टेट और एक वन वे की और कुछ कनेक्टिंग वायर्स। तो यहाँ पे ये सारा सेटअप यहाँ पे लगा हुआ है और यही हमारे एपेटस यहाँ पे भी लिखे हुए हैं, ठीक है। और हम लोग इस गैल्वेनोमीटर को 0 to 30 मिली एमीटर की मिली एम्पियर की रेंज में कन्वर्ट करने वाले, ठीक है, 0 to 30 मिली एम्पियर, बराबर। तो हमारा जो डिजायर्ड रेंज है वो है 0 to 30 मिली एम्पियर, बराबर। फिर हम बात करेंगे कुछ थियोरी के बारे में। तो हमने थियोरी में पढ़ा हुआ है कि अगर आपको गैल्वेनोमीटर को ए मीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में शंट लगाना पड़ता है, बराबर। तो अगर हम गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में शंट कनेक्ट करें, बराबर, तो वो गैल्वेनोमीटर आपका ए मीटर की तरह वर्क करता है। तो जो भी शंट हमें लगाना है इस कन्वर्जन के लिए, उस शंट का जो कैलकुलेशन है वो इस फॉर्मूला से किया जाता है, बराबर। तो S इज इक्वल टू IgG/I-Ig, ये फॉर्मूला हम लोगों ने थियोरी में पढ़ा हुआ है, ठीक है, टेक्स्ट बुक के अंदर। तो इसमें I का मतलब होता है रेंज ऑफ द कन्वर्जन। तो जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग 0 to 30 मिली एम्पियर की रेंज में कन्वर्ट करने वाले हैं। देन Ig का मतलब होता है करंट कैपेसिटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर, कि आपका गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम कितना करंट होल्ड कर पाएगा या कितना करंट फ्लो करवा पाएगा उसको उसकी करंट कैपेसिटी बोलते हैं, जिसको हम आगे ऑब्जर्वेशन में कैलकुलेट करेंगे तो उसमें आपको थोड़ा पता लगेगा कि क्या होता है करंट कैपेसिटी। तो ये Ig का वैल्यू ये हो गया। और G मतलब रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर जो हमें दिया होता है, और हमने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था हाफ डिफ्लेक्शन मेथड, उसके अंदर हमने किस तरह से गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया था और उसका फिगर ऑफ मेरिट भी कैलकुलेट किया था, मतलब फाइंड आउट किया था। वो एक्सपेरिमेंट इसी के बारे में था कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है और आप उसका फिगर ऑफ मेरिट भी आपको फाइंड आउट करना है। तो ये हमारा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला की मदद से हम लोग गैल्वेनोमीटर को ए मीटर में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं थोड़ा सर्किट डायग्राम, बराबर, कि सर्किट डायग्राम किस तरह से हमें कनेक्ट करना है। तो सर्किट डायग्राम आप एक बार यहाँ पे देख लीजिए, फिर मैं आपको कनेक्टेड डायग्राम दिखाता हूँ कि आपको बैटरी के पॉजिटिव में से आपको एक वायर लगाना है ए मीटर के पॉजिटिव में, फिर ए मीटर के नेगेटिव में से एक वायर आपका जाएगा गैल्वेनोमीटर में, बराबर, और गैल्वेनोमीटर के पॉजिटिव में बोल दीजिए आप लोग, बराबर, ये गैल्वेनोमीटर के पॉजिटिव में चला गया। और फिर गैल्वेनोमीटर में से एक वायर जाएगा यहां से सीधा रियोस्टेट के अंदर, और रियोस्टेट में से एक वायर जाएगा की में, और की से वापस वायर आएगा बैटरी के नेगेटिव में। तो मैंने बहुत सारे वीडियो में आपको ये चीज़ बताई है कि जब कभी भी सर्किट को कनेक्ट करो ऑलवेज बैटरी से स्टार्ट करो और एंड भी आप ऑलवेज बैटरी पे ही करो, और ऑलवेज ऐसा ट्राई करो कि पूरा लूप आप यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हो, बराबर। जैसे ये वाली चीज़ अभी लूप से बाहर है, हमने इस वाले इसको अभी हमने कनेक्ट नहीं किया, तो इसको हम आखिर में कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑलवेज आप अगर लूप फॉलो करोगे और बैटरी से स्टार्ट करके बैटरी में अगर आप एंड करते हो तो आपको कभी भी सर्किट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एट द एंड हमें एक शंट मतलब कि लो रेजिस्टेंस बॉक्स यहाँ पे कनेक्ट करना है बिल्कुल गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में, बराबर। तो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एंड में हम यहाँ पे शंट कनेक्ट कर देंगे, मतलब कि लो रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट करेंगे। तो ये गैल्वेनोमीटर और ये आपका शंट, ये दोनों साथ में मिलकर ए मीटर के जैसा काम करते हैं। तो ये भी आप याद रखो कि कोई आपको पूछे कि यहाँ पे कन्वर्टेड ए मीटर कौन सा है,
तो कन्वर्टेड एमीटर का मतलब होता है बराबर, कन्वर्टेड एमीटर का मतलब होता है गैल्वेनोमीटर और शंट, ये दोनों मिलके कन्वर्टेड एमीटर बनते हैं। अगर आप अकेला बोलोगे कि गैल्वेनोमीटर एमीटर है, ना ये गलत है, गैल्वेनोमीटर और ये शंट ये दोनों मिलके ही एमीटर बनेंगे, अकेला गैल्वेनोमीटर एमीटर नहीं होता। तो ये बात आपको ध्यान से समझनी है। तो आओ सर्किट देख लेते एक बार फिर से कि बैटरी का पॉजिटिव है, यहाँ पे बैटरी के पॉजिटिव में से हमें एक एमीटर मिली एमीटर के पॉजिटिव में लगाना है, ठीक है, फिर मिली एमीटर के नेगेटिव में से उस वायर को हमें गैल्वेनोमीटर के पॉजिटिव में लगाना है बराबर, फिर गैल्वेनोमीटर के नेगेटिव में से होकर हमें ये वायर शंट में लगाना है, शंट के अपोजिट साइड से हमें की में लगाना है और की में से हमारी बैटरी के नेगेटिव में। तो ये हमारा लूप कंप्लीट हो गया। और एंड में ये जो शंट बॉक्स है मतलब कि लो रेजिस्टेंस बॉक्स है, इसको हम यहाँ पे पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, इसको हम यहाँ पे इस तरह से पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। तो देख पा रहे हो आप लोग कि एंड में आपको गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में कनेक्ट करना है। तो ये था हमारा सर्किट डायग्राम, इस तरह से आपको सर्किट को कनेक्ट करना है। तो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले थोड़ा उसका थ्योरी समझ लेते कि अगर आप गैल्वेनोमीटर को एज अ एमिटर यूज करना चाहते हो तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो एक सर्किट डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, और ये इस सर्किट डायग्राम में जो हमारा जो टास्क है वो ये है कि हमें इस रजिस्टर में से फ्लो होने वाला करंट मेजर करना है। तो हमें एमीटर को ऑलवेज रजिस्टर के साथ सीरीज में लगाना पड़ता है अगर हम करंट मेजर करना चाहते हैं। तो अगर हम गैल्वेनोमीटर को एमीटर की जगह पे एज इट इज सीधा सीरीज में लगा ले तो आपको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा कि वो ये होगा कि जो आइडियल एमीटर जो होता है, आइडियल जो एमीटर होता है उस आइडियल एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो जीरो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एमीटर जो होता है वो रजिस्टर के साथ सीरीज में लगता है, एमीटर जो होता है वो रजिस्टर के साथ सीरीज में लगता है। अगर ए मीटर का रेजिस्टेंस जीरो है तो जब ये रेजिस्टर के साथ सीरीज में ऐड होगा तो आपके सर्किट का जो रेजिस्टेंस होगा वो चेंज नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन क्या होता है जब आप गैल्वेनोमीटर को एज ए मीटर यूज करते हो तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस भी इस आर के साथ ऐड हो जाएगा। तो ओरिजिनली सर्किट के अंदर कितना रजिस्टर था? आर। लेकिन जैसे आपने गैल्वेनोमीटर को सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो रेजिस्टेंस चेंज होके हो गया आर प्लस जी। तो आपका रेजिस्टेंस चेंज हो गया तो आपका करंट भी चेंज हो जाएगा। तो बेसिकली होगा ये कि गैल्वेनोमीटर का खुद का जो रेजिस्टेंस इसके साथ ऐड हो गया तो सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस चेंज हो जाने के कारण आपके करंट की वैल्यू चेंज हो गई। और करंट की वैल्यू चेंज हो गई तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा वो ये होगा कि गलत करंट मेजर करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि आप गैल्वेनोमीटर को सीधे एज इट इज रजिस्टर के साथ सीरीज में कनेक्ट नहीं कर सकते। और जो दूसरा प्रॉब्लम होगा जो कि कॉमन प्रॉब्लम है कि अगर आपका करंट जो सर्किट में से फ्लो रहा है, अगर ये करंट गैल्वेनोमीटर की करंट कैपेसिटी से ज्यादा फ्लो हो गया तो आपके गैल्वेनोमीटर को डैमेज कर देगा, आपका गैल्वेनोमीटर डैमेज हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यह भी ध्यान रखना है। तो दो प्रॉब्लम बेसिकली आपको फेस करनी पड़ती है अगर आप गैल्वेनोमीटर को एज इट इज एमीटर की तरह यूज करते हो, मतलब कि एज इट इज आप किसी भी रेजिस्टर के साथ सीरीज में कनेक्ट करते हो। एक कि वो गलत रीडिंग मेजर करता है, और दूसरा कि वो ऑलवेज आपका एक चांस बना रहता है कि वो डैमेज हो सकता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो दोनों प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है। क्या सॉल्यूशन है? कि अगर मैं गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस लगा लूं, तो गैल्वेनोमीटर के साथ लगाने वाला जो स्मॉल रेजिस्टेंस होता है उसको शंट बोला जाता है। एक बात याद रखिए बिल्कुल ध्यान से कि शंटिंग क्या होती है, ये आपको वाइवा में भी पूछा जाता है कि शंटिंग क्या होता है या शंट क्या होता है बराबर। तो शंट का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास स्मॉल रेजिस्टेंस है और वो पैरेलल में लगा हुआ है तो इसको शंट बोलते हैं। ध्यान से समझिए, स्मॉल रेजिस्टेंस अगर आपने पैरेलल में लगाया हुआ है तो इसको हम शंट बोलेंगे। तो अगर मैं गैल्वेनोमीटर के साथ एक स्मॉल रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाऊं, इस प्रोसेस को हम शंटिंग बोलेंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें गैल्वेनोमीटर का शंटिंग करना पड़ेगा।
मतलब गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में स्मॉल रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। तो कितना स्मॉल रेजिस्टेंस लगाना पड़ सकता है? तो आइडियली वो तो जीरो होता है। अगर मैं आइडियल चीज की बात करूं तो आइडियल शंट होना चाहिए जीरो, मतलब जीरो ओम का रेजिस्टेंस आपको लगाना चाहिए। बल्कि जीरो ओम का रेजिस्टेंस होता नहीं है, बट हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने ओम का रेजिस्टेंस आपको कनेक्ट करना चाहिए। तो इसका फायदा क्या होगा आपको कि अगर आपने जैसे ही गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में शंट लगाया, तो फॉर एन एग्जाम्पल मान लो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 50 ओम था और ये शंट, ये जो सीरीज रेजिस्टेंस है उसका रेजिस्टेंस 100 ओम था। तो जो पहला सिनेरियो था कि आपने जब ये दोनों को सीरीज में लगाया, सिंपल गैल्वेनोमीटर एंड रेजिस्टेंस, तो टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का हो गया 150, 100 प्लस 50। अगर मैं इसके साथ पैरेलल में 1 ओम का शंट लगा दूं तो क्या हो जाएगा पता है? गैल्वेनोमीटर और शंट दोनों पैरेलल में हो जाएंगे, इनका टोटल रेजिस्टेंस नियर बाय कितना हो जाएगा? 1 ओम। क्योंकि आपको पता है जब गैल्वेनोमीटर को दो सॉरी दो रेजिस्टेंस को अगर आप पैरेलल में कनेक्ट करते हो तो जो उनका इक्विवेलेंट होता है वो जो सबसे स्मॉल रेजिस्टेंस आपका कनेक्टेड है उससे भी स्मॉल होता है। तो अगर 50 ओम और 1 ओम दोनों को अगर हम सीरीज में पैरेलल में कनेक्ट कर ले तो जो मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा इन दोनों का वो 1 से भी कम होगा, वो 1 से भी कम होगा। ठीक है, तो अगर मैं शंट लगाऊं तो मेरे गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, तो आपका पहला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा कि जो आइडियल एमीटर होता है जिसका रेजिस्टेंस कम से कम होना चाहिए। तो ये गैल्वेनोमीटर के साथ हमने शंटिंग करके इस गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को कम से कम कर दिया, तो पहला प्रॉब्लम सॉल्व। दूसरा प्रॉब्लम कि यहाँ पे शंट हो गया तो जब सर्किट का करंट आएगा तो मेजोरिटी जो करंट होगा वो शंट में से पास हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि करंट ऑलवेज वही रास्ता फॉलो करता है जहाँ पे उसको कम रेजिस्टेंस ऑफर होता है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस बहुत कम है, यहाँ पे 50 ओम है, यहाँ पे 1 ओम है, तो मैक्सिमम करंट आपका इधर से चला जाएगा। तो गैल्वेनोमीटर में ज़्यादा करंट जाएगा नहीं, मतलब गैल्वेनोमीटर में मतलब उसके करंट कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही करंट जाएगा, तो गैल्वेनोमीटर को डैमेज होने के चांसेस बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। तो आपका दूसरा प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाता है। तो बेसिकली हम यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि अगर गैल्वेनोमीटर के साथ में पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाऊँ स्मॉल वैल्यू का, मतलब कि शंटिंग करूँ, तो ये दोनों मिलकर एमीटर का काम करते हैं, बराबर। तो इस तरह से आप गैल्वेनोमीटर को ए मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये दो प्रॉब्लम थे, ये इसका सॉल्यूशन था, और ये आपको समझना है वाइवा के लिए भी कि किस तरह से आपने गैल्वेनोमीटर को ए मीटर में कनेक्ट किया और आपको पैरेलल में ही क्यों कनेक्ट करना है रेजिस्टेंस। तो इसका लॉजिक मैंने आपको बताया कि आपको एक तो रेजिस्टेंस कम करना है गैल्वेनोमीटर का, और दूसरा गैल्वेनोमीटर को डैमेज होने से भी बचाना है, और करंट की वैल्यू भी करेक्ट मेजर करनी है, बराबर। तो इसलिए आपको शंटिंग करना पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारा थ्योरी था कि किस तरह से आप गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कनेक्ट कर सकते हो और कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो थ्योरी के बाद अब हम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे, और एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले हमें कुछ ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करने के लिए हमें हमने क्या क्या लिखना है यहाँ पे? तो सबसे पहले आपके पास जो चीज़ें अवेलेबल होगी एग्जाम में भी और जब आप परफॉर्मेंस करोगे तब भी लैब में भी, तो सबसे पहले आपको चाहिए रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर जो कि होता है 100 ओम, जैसा हमने हाफ डिफ्लेक्शन मेथड परफॉर्म किया था बराबर, उसमें हमने रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर फाइंड आउट किया था। तो ये होता है 100 ओम। आपकी लैब में या आप जहाँ पे परफॉर्म कर रहे हो वहाँ पे रेजिस्टेंस कुछ और भी हो सकता है, तो वो आपको रेजिस्टेंस यहाँ पे यूज़ करना है। ठीक है, दूसरा होता है फिगर ऑफ मेरिट। तो गैल्वेनोमीटर का फिगर ऑफ मेरिट भी हम हाफ डिफ्लेक्शन मेथड वाले एक्सपेरिमेंट में ही फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो हमारा फिगर ऑफ मेरिट था 220 माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर में अगर एक डिवीजन डिफ्लेक्शन अगर मुझे करना है तो कितना करंट चाहिए? तो 20 माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन, तो ये हमारा फिगर ऑफ मेरिट हो जाता है। तीसरा हमें चाहिए नंबर ऑफ डिवीजन्स इन द गैल्वेनोमीटर ऑन आइदर साइड, तो ये हमें पता है कि 30 डिवीजन्स होते हैं बराबर गैल्वेनोमीटर में आइदर साइड में। ठीक है, आप चाहो तो देख सकते हो कि 30 डिवीजन है, राइट हैंड साइड में भी 30 है, लेफ्ट हैंड साइड में भी 30 है। ठीक है, चलिए, तो अब नंबर 4 में आपको लिखना है करंट रिक्वायर्ड फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन बराबर इन गैल्वेनोमीटर, कि गैल्वेनोमीटर में अगर आपको फुल स्केल डिफ्लेक्शन करना है तो कितना करंट चाहिए, दैट इज नोन एज आई जी, दैट इज इक्वल टू एन इंटू के। एन मतलब नंबर ऑफ डिवीजन, के मतलब फिगर ऑफ मेरिट। तो
सो 30 × 20 माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन दैट इज इक्वल टू 600 माइक्रो एम्पियर, मतलब 600 माइक्रो एम्पियर आपकी करंट कैपेसिटी है गैल्वेनोमीटर की। इससे ज्यादा करंट जाएगा तो वो मे बी डैमेज हो सकता है या तो वो आउट ऑफ स्केल जाएगा, तो ये उसका मैक्सिमम करंट इतना वो होल्ड कर पाएगा। इसके बाद हमें जो चाहिए फिफ्थ नंबर में, जो कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है इस एक्सपेरिमेंट के लिए, इस एक्सपेरिमेंट में हमें जो चाहिए वो रेंज ऑफ कन्वर्जन, हम कितने एम्पियर का एमीटर बनाना चाहते हैं। तो हमने सिलेक्ट किया हुआ है 30 मिली एम्पियर, बराबर। तो हमें 30 मिली एम्पियर का एमीटर बनाना है इसको गैल्वेनोमीटर को, और हमें जैसा हमने थ्योरी में पढ़ा कि अगर आपको गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बनाना है तो आपको उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, शंट लगाना पड़ेगा, शंटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो शंट कितना चाहिए उसका इक्वेशन हम थ्योरी में भी पढ़ते हैं, फोर्थ चैप्टर आप पढ़ते हो बराबर, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। तो आप इसमें ये इक्वेशन आता है IgG/I-Ig, Ig का मतलब होता है करंट कैपेसिटी जो भी हमने लिखा 600 - 6, जी माने आपके गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 100, डिवाइड बाय आपका रेंज ऑफ कन्वर्जन दैट इज अ 30 मिली एम्पियर, 30 × 10⁻³, और अगेन आईजी। अगर आप इसको परफॉर्म करोगे तो आंसर आएगा इतना, तो इसको मैं अप्रोक्स करके लिख रहा हूँ कि 2 ओम, मतलब अब मैं इस गैल्वेनोमीटर के साथ 2 ओम का रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में लगा लूँ तो ये जो गैल्वेनोमीटर और ये दो ये रेजिस्टेंस है ये दोनों मिलके हमारा एमीटर बन जाएंगे 30 मिली एम्पियर का। तो ऐसा करने से मैं गैल्वेनोमीटर को 30 मिली एम्पियर की रेंज में कन्वर्ट कर दूंगा। मुझे क्या करना पड़ेगा, सिर्फ 2 ओम का रेजिस्टेंस यहां से निकालना पड़ेगा जो अभी हम करने वाले, ठीक है। तो ये हमारे ऑब्जर्वेशंस थे और ये हमारा थोड़ा सा बेसिक्स था बराबर। तो इस बेसिक को आपको फॉलो करना है, इस तरह से आपको लिखना है जर्नल में भी और एग्जाम में भी बराबर, और फिर हम एक्सपेरिमेंट को अब स्टार्ट करते हैं। तो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले एक और चीज यहाँ पे हमें नोट डाउन करनी है, वो है लिस्ट काउंट ऑफ द गैल्वेनोमीटर कन्वर्टेड इनटू द एमीटर। तो हमने जो कन्वर्टेड एमीटर बनाया उसका लिस्ट काउंट फॉर्मूला है I/N, मतलब I मतलब आपकी रेंज 30 मिली एम्पियर डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिविजन 30, तो दैट इज 1 मिली एम्पियर। मतलब क्या होता है कि ये आपका गैल्वेनोमीटर है बराबर, अब ये गैल्वेनोमीटर नहीं है, अब ये बन चुका है एमीटर। तो उसमें आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये 0 से 30 तक का स्केल है, यहाँ पे इसमें एक डिवीजन की वैल्यू 1 मिली एम्पियर है, समझ रहे हो आप, इसमें एक डिवीजन की वैल्यू 1 मिली एम्पियर है बराबर। तो ये हमें इसका भी लिस्ट काउंट यहां पे लिखना है क्योंकि अब ये एमीटर बन चुका है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करते हैं, सर्किट कनेक्शन हम ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं, ऑब्जर्वेशन टेबल को एक बार समझ लेते हैं कि सबसे पहले हमें चाहिए गैल्वेनोमीटर रीडिंग, उसमें हम डिफ्लेक्शन को नोट डाउन करेंगे थीटा, और उस थीटा को हम लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई बाय 1 मिली एम्पियर, तो हमें गैल्वेनोमीटर का रीडिंग मिलेगा। और गैल्वेनोमीटर यहां पे क्या है हमारे लिए, कन्वर्टेड एमीटर। फिर हमने क्या पे स्टैंडर्ड एमीटर भी कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड एमीटर हमें एंश्योर करके देगा कि हमारा रीडिंग सही है कि गलत है, ठीक है। चलिए, और उसके बाद हमारा डिफरेंस मतलब कि एरर कितना आ रहा है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहां पे सबसे पहले क्या करना है, एक बार आपको मैं फिर से दिखा देता हूं, ये हमारा शंट है बराबर, यहां से मुझे 2 ओम का रेजिस्टेंस निकाल देना है। ये मैंने निकाल लिया, मतलब मैंने शंट को 2 ओम के शंट को गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में कनेक्ट कर लिया, और ये गैल्वेनोमीटर अब मेरा 30 मिली एम्पियर का एमीटर बन चुका है। इतना क्लियर हो गया आपको, तो ये 30 मिली एम्पियर तक का एमीटर बन चुका है। चलिए, तो हम यहाँ पे पहला रीडिंग लेंगे। तो आपको क्या करना है, सर्किट हमने कनेक्ट किया हुआ है, आपको रेंडमली कोई भी 5 या 6 रीडिंग मेजर करने, ठीक है, रेंडमली कोई भी 5 या 6 रीडिंग आपको मेजर करने, ठीक है, या आप 3-4 भी ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं है बराबर। एग्जाम में आप 3-4 ले सकते हो, जनरल में भी आप 3-4 रीडिंग ले सकते हो, ठीक है। सर्किट को हम स्टार्ट करेंगे, की हमारा लगा हुआ है, ये हमारा रियोस्टेट है, रियोस्टेट से हम करंट को वेरी करेंगे, पहले हम कन्वर्टेड एमीटर में मेजर करेंगे और बाद में स्टैंडर्ड में मेजर करेंगे। तो मैं यहाँ पे रियोस्टेट को वेरी कर रहा हूँ और यहाँ पे फिफ्थ नंबर के डिवीजन पे ला रहा हूँ, तो फिफ्थ नंबर का डिवीजन मतलब 5 मिली एम्पियर, जो मैंने आपको भी बताया, ठीक है। तो ये मैंने फिफ्थ नंबर के डिवीजन पे मैं यहाँ पे ला चुका हूँ, ठीक है। अलाइनमेंट में आपको थोड़ा कैमरा में ऐसा भी दिखाई देगा कि थोड़ा बाहर जा रहा है, फिफ्थ के ऊपर जा रहा है, बट ये आपको समझना है फिफ्थ पे, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कि डिफ्लेक्शन कितना आ रहा है, तो हमने फिफ्थ डिवीजन किया, ठीक है।
तो फिफ्थ डिवीजन किया तो ये फिफ्थ मल्टीप्लाई बाय लिस्ट काउंट मतलब 1 मिली एम्पियर दैट इज इक्वल टू 5 मिली एम्पियर। तो ये कितना मेजर कर रहा है भाई? 5 मिली एम्पियर। अब यहां पे देखते हैं स्टैंडर्ड में। स्टैंडर्ड में आप देखिए कि 0 से 50 मिली एम्पियर के रेंज का एमीटर है और ये 10 मिली एम्पियर है। तो एक डिवीजन की वैल्यू होती है 1 मिली एम्पियर। 0 से 10 के बीच में 10 डिवीजन है तो एक डिवीजन की वैल्यू है 1 मिली एम्पियर। एम आई क्लियर? तो यहाँ पे भी फिफ्थ नंबर के डिवीजन पे ये निडल यहाँ पे पॉइंटेड है तो ये भी 5 मिली एम्पियर हो गया। तो देखो ये भी 5 मिली एम्पियर ही मेजर कर रहा है, मतलब हमारे दोनों रीडिंग मैच हो रहे हैं। ये भी देखिए 5 मिली एम्पियर पे फिफ्थ डिवीजन पे मतलब 5 मिली एम्पियर, तो ये हमारा रीडिंग हो गया 5 मिली एम्पियर। ठीक है, आप यहाँ पे यूनिट को भी कन्वर्ट कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। ये हो गया हमारा 0, कोई एरर नहीं है। उसी तरह से बस आपको रेंडमली कोई भी, जैसे मैं 10 पे ले जा रहा हूँ, आपको रेंडमली ले जाना है कहीं पे भी, कोई भी डिवीजन पे आप ले जाइए जो जहां पे आपको कन्वीनियंट हो। ठीक है, ये 10 मतलब 10 मिली एम्पियर हो गया। यहाँ पे देख लीजिए कितना आ रहा है, यहाँ पे एक डिवीजन कम आ रहा है तो ये 9 मिली एम्पियर दिखा रहा है। एरर आ सकती है, कोई इश्यू नहीं है उससे। ठीक है, तो ये 10 हो गया, 10 × 1 मिली एम्पियर मतलब 10 मिली एम्पियर। ठीक है, और ये कितना आ रहा है हमारा 9 मिली एम्पियर। तो हमारा एरर कितना मिला हमें? 1 मिली एम्पियर। 1 से 2 मिली एम्पियर अगर आपको एरर मिलती भी है तो भी कोई इश्यू नहीं है, इतना क्लियर रखिएगा। 1-2 मिली एम्पियर का एरर अगर आता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो एक और रीडिंग ले लेते हैं, 15 पे ले आते हैं। देख लीजिए ये 15 पे आ गया, ये 15 मिली एम्पियर हो गया। ये आ रहा है 14 पे, 1 मिली एम्पियर अगेन कम आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो हमारा कन्वर्टेड का रीडिंग है 15, मतलब ये 15 मिली एम्पियर हो गया और ये आ रहा है 14 मिली एम्पियर, मतलब कि 1 मिली एम्पियर का डिफरेंस हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे 3 रीडिंग या 4 रीडिंग, आप जितना भी चाहो आप इतने रीडिंग ले सकते हो, मिनिमम आपको 3 रीडिंग लेने। आप चाहो तो एक और रीडिंग ले लेते 4-20 पे। हमने यहाँ पे टेबल तो 4 का ही बनाया था तो ये 20 पे आ गया और ये आ रहा है 19 पे, आप देख पा रहे हो। ठीक है, बढ़िया। ठीक है, तो 19 पे, तो अगेन ये हमारा कन्वर्टेड का 20 और ये आ रहा है 20 मिली एम्पियर डिवीजन मल्टीप्लाई बाय लिस्ट काउंट और ये आ रहा है 19 मिली एम्पियर। अगेन डिफरेंस मुझे मिला 1 मिली एम्पियर। तो 1 मिली एम्पियर के डिफरेंस में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया है। हमें एंड में ये रिजल्ट लिखना है कि एज द डिफरेंस इन द एक्चुअल एंड द मेजर्ड वैल्यू ऑफ द करंट इज वेरी स्मॉल, द गैल्वेनोमीटर इज परफेक्टली कन्वर्टेड इनटू एमीटर। तो इस तरह से आप गैल्वेनोमीटर को डिजायर्ड रेंज के एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।